सिविल लाइन थाना क्षेत्र के घूगरा घाटी क्षेत्र में मिला सड़ा गला शव। पुलिस पहुंची मौके पर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के घूगरा घाटी स्थित सड़ा गला, हाथ पैर और सर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं क्षेत्रवासियों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी, जहां सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही FSL की टीम को भी बुलाया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी डॉक्टर रविश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने पर सूचना मिली कि घूगरा घाटी के पास सड़ा गला, हाथ और पैर पड़ा है। जहां मौके पर गए और मौका मुआयना किया तो हाथ पैर के साथ सर भी मिला। वहीं FSL की टीम को बुलवाया गया। वहीं पास में युवक की पैंट भी मिली, जहां पुलिस ने युवक के हाथ पैर और सर को जेलन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पुलिस युवक का पोस्टमार्टम करवा रही है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। सर, कौन सी लाश मिली है, किस तरह की लाश है और कितनी पुरानी है और क्या मामला है? आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि घूगरा घाटी के पास पुलिया से जब ऊपर चढ़ते हैं वहीं पर एक आधा कटा हुआ हाथ है जो कि सड़ी गली अवस्था में है, वो पड़ा हुआ है। इस सूचना की हमने पुख्ता करने के लिए वहाँ मौके पर मैं टीम के पहुँचे तो हमने वहाँ आसपास के स्थानों को तलाशा। वहाँ पर घाटी के नीचे की तरफ एक बॉडी के कुछ और पार्ट्स मिले, जिसमें उसका सिर था और एक हाथ है और एक पैर है और कुछ बैकबोन का हिस्सा है। बाकी उसको कुत्तों ने नोच रखा था तो पूरा बॉडी के पार्ट्स उसमें वहाँ उपस्थित नहीं थे। इस पर पूरी जो बॉडी थी वो बिल्कुल सड़ी गली अवस्था में थी, काली हो रखी थी, आसपास एक पैंट पड़ी हुई थी। हमने मौके पर उच्चाधिकारियों को इसका निवेदन किया और FSL को भी मौके पर बुलाया। FSL ने आके उसका मौका मुआयना किया है और अब हम उसके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, प्रथम दृष्टया किस तरह की स्थिति है, कोई मर्डर है या फिर? अभी हमने जैसे उसकी बॉडी का किया था तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि उसकी उम्र लगभग 55-60 साल की है और बुजुर्ग अवस्था में था। हाथ जो था उसके ऊपर कुछ मालाएं वालाएं से लिपटी हुई है, तो अभी एक बार उसका पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद ही कहना ठीक है।